सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाचिस पहाड़ी, आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरा पिछला वीडियो जो कि इंडेबिटनेस के बारे में था, जो कि रूरल एरियाज में कैसे इंडेबिटनेस के कारण इंक्रीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, इंक्रीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस इम्प्लीमेंटेशन जो कि पड़ रहा था, जो कि अंडर पॉवर्टी में जो भी थे, जो भी सिटीजन्स रहते थे, उनको कैसे हम या फिर उनको कैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे उनके पास से लैंड रेवेन्यू, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन इसमें कॉज एज वेल एज इंडेबिटनेस का डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज वेल एज हाउ द इंडेबिटनेस इंक्रीजेस इन द रूरल एरियाज इन द अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश इन 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी से रिलेटेड है, जो कि मेरा पिछला वीडियो में बता चुका था कि रूरल इंडेबिटनेस आर अराउंड वॉज अराउंड 900 कोर्स ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, क्योंकि 1930 में जो भी डिप्रेशन किसी इसीलिए दिया गया था कि डिप्रेशन किसके कारण हुआ था, वो है वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू के कारण हुआ था, जिससे एग्रीकल्चर का प्राइस डिक्रीज हो गया था, जो कि मैं पहले ही बोल चुका था। लेकिन हम इस वीडियो में कॉज ऑफ इंडेबिटनेस जो कि कॉजेस है, जैसे कि हम जानते हैं इसमें अंडरलाइन भी आपको किया हो कि पॉवर्टी एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉज है, उसके बाद एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस डेबिटनेस डेबिट वो भी है, मींस पूरा मींस अपना दादा परदादा के कैसे इनहेरिट करके आ रहे थे, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है, अगर आपको अंत तक देखना है, अंत तक इन्फॉर्मेशन गेन करना है इसके बारे में, तो फिर अंत तक देखिए, क्योंकि इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ है। अभी तक मैं स्क्रॉल नहीं किया हूँ, तो फिर स्क्रॉल जब करूँगा तब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। पहला है पॉवर्टी, ठीक है, कॉज ऑफ इंडेबिटनेस में पहला है पॉवर्टी। हम सब जानते हैं पॉवर्टी का मतलब क्या है, मीन्स एक एनुअल इनकम किसी का भी बहुत ज़्यादा कम होगा, या फिर किसी का भी पेरेंटल इनकम बहुत ज़्यादा कम होगा, उसको ही पॉवर्टी बोलते हैं। पॉवर्टी मतलब हंगर, जैसे कि भूखा रहना। पॉवर्टी मतलब जो मीन्स दो सिटीजन्स हु आर बैगिंग फॉर देयर लिवलीहुड, मीन्स इन दे आर सर्चिंग फॉर फूड, यस आई कैन इवन से दैट दे आर सर्चिंग फॉर फूड, उसको ही पॉवर्टी बोलते हैं। मीन्स अपना रोजगार करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए आहार का ढूंढते हैं या फिर फूड को सर्च करते हैं, उसको ही पॉवर्टी बोलते हैं। उसके बाद अगर इसमें देखें, पेरहैप्स पॉवर्टी इज पेरहैप्स द मेजर कॉज ऑफ रूरल इंडेबिटनेस, क्योंकि जब हम रूरल को सिग्निफाई करते हैं, उसमें क्या होता है, लैंड या फिर रेवेन्यू जनरेशन बहुत ही कम होता है। रेवेन्यू जनरेशन क्यों कम होता है, क्योंकि इनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस हम बोलते हैं, जो कि हम अगर रूरल एरियाज में इनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस होगा तो फिर मैन पावर उसमें पूरा कम होगा, मैन पावर भी कम होगा, सो इसीलिए पॉवर्टी का कारण रूरल इंडेबिटनेस का एक योगदान है, आपको ये भी समझ आना चाहिए। उसके बाद द लो लेवल ऑफ द रूरल इनकम, द अनसर्टेन एंड प्रिमिटिव फार्मिंग फॉर स्मॉल होल्डिंग मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मीट द नीड्स ऑफ रिक्वायरमेंट। हम मैं पहले ही बोल चुका था कि क्या बोल चुका था, मैं ही बोल चुका था, पॉवर्टी के कारण जो भी इनडेबिटनेस कैसे हुआ, एनुअल इनकम, उसके बाद हंगर, उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैन फोर्स का भी ज़रूरत है अगर बढ़ाने के लिए वर्क फोर्स, सो उसका लैगिंग था, उसका क्या लैगिंग था, उसका ही रूरल एरियाज में लैगिंग था, तो इसी दौरान क्या हुआ, पॉवर्टी एक कॉज हो गया, ओके, पॉवर्टी बिकेम वन ऑफ द कॉज ऑफ रूरल इंडेबिटनेस, ओके, सो अंडरस्टूड हाउ पॉवर्टी मेक्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल और वाइटल रोल इन कॉज ऑफ इंडेबिटनेस इन द रूरल सेक्टर्स एंड इंक्रीजिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोनोमिनल रेवेन्यू जनरेटिव फैक्टर्स, जैसे कि हम जानते हैं लैंड रेवेन्यू, अनरजिस्टर्ड कैश लैंड्स, वो सारा हम पढ़ाई कर चुके थे पिछला वीडियो में। उसके बाद एंसेस्ट्रल एंड इनहेरिट डेबिट, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, अगर इफ़ यूर फादर हैविंग मच मोर लैंड्स, इफ़ यूर फादर हैविंग ए क्लीन एंड फेयर लैंड विच कैन प्रोड्यूस लॉट ऑफ क्रॉपिंग, देन डेफिनेटली द फादर विल डेफिनेटली गिव द प्रॉपर्टीज टू हिज सन, देन आफ्टर इफ द सन हैज अनदर सन, देन डेफिनेटली दे विल बी ट्रांसफर, सो दिस इज हाउ द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी गोइस ऑन।
वंस लैंड विल बी ट्रांसफर टू अनदर हिज सन हिज सन टू हिज सन हिज सन टू हिज सन. दिस इज हाउ द प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस बीन गोइंग ऑन और द इनहेरिटेंस डेबिट विल बी डिस्कस्ड इन द सो. सो अगर देखें रूरल एरियाज में यही चल रहा था, क्योंकि अगर आपका बेटा या फिर बेटी को या फिर अपना दादा या फिर दादाजी को एक बहुत ज़्यादा लैंड है, तो फिर क्या होता है उसका वारस जो भी होता है वो उस लैंड को इनहेरिट कर देता है, वही एंसेस्ट्रल इनहेरिट कहते हैं. उसके बाद अगर देखें मोस्ट ऑफ द रूरल एबिट व प्रेजेंट डेज आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट. जैसे कि हम मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, या इवन आई टू स्टे इन माई ओन विलेज एंड आई यूजली पोस्ट वीडियोज, आई नो हाउ द लैंड्स ऑफ डिफरेंट लैंड लॉर्ड्स आर बीन एंसेस्ट्रली इनहेबिटेड, एंसेस्ट्रली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेट 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 ग्रैंड फादर्स और फोर फादर्स. सो दैट एग्जाम्पल आई कैन एक्सपीरियंस. सो इनक्रीज विद द पासेज ऑफ टाइम एंड इनहेरिटर इज लाइबल टू द रीपेमेंट ऑफ द डिबेट ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाई. सो इन डेबिटनेस मीन्स रीपेमेंट, जो कि उससे मीन्स जैसे कि रेवेन्यू जनरेशन होता था उसे क्या होता था ब्रिटिश ले लेते थे, वही इसमें दिया गया है कि रीपेमेंट ऑफ डिबेट ओनली टू एक्सटेंड फॉर द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाई हिम. ओके, उसके बाद सेकेंड नंबर पॉइंट, डिस्पाइट दिस लॉ द रूरल पीपल कंटिन्यू टू रिपे द डेबिट फॉर द फोर फादर्स. ओके, कंटिन्यू टू रिपे द डेबिट टू देयर फोर फादर्स. ठीक है, और ब्रिटिशर्स को मत देकर अपना फोर फादर्स को डेबिट्स देना स्टार्ट किए थे, या फिर डेबिट्स रिपे द डेबिट्स. ओके, एज दे आर नॉट फुल्ली कन्विंस्ड विद द लॉ दे आर इलिटरेट, एज दिस पीपल आर बॉन्डेड बाय द ट्रेडिशन एंड वैल्यूज दे रिगार्ड्स इट देयर स्क्रैप सोशल ड्यूटी फॉर रिपेट द डेबिट ऑफ देयर फोर फादर्स. जैसे कि अंधविश्वास बोलते हैं, सुपरस्टिशन, यूजली दे फॉलो दिस सुपरस्टिशन टू रिपे द डेबिट्स टू देयर ग्रेट फोर फादर्स हु आर एंसेस्ट्रली रिपेइंग देयर ड्यूटीज और इनहेरिटिंग देयर डेबिट्स थ्रू दिस कॉज. सो दैट्स द रीजन वाई द रूरल इंडेबिटनेस मेड ए वाइटल इंक्रीज इन द ब्रिटिश सेंचुरी अंडर द ब्रिटिश रूल. ओके, सो शोइंग दिस इलिटरेट प्रॉपर्टी फ्रॉम द फार्मर्स, जब एक इलिटरेट प्रॉपर्टी का सिग्निफाई डिस्प्ले अगर हो गया एक रूरल विलेज में, क्या होगा वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर जो मीन्स जो लिटरेट होते हैं वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, वो क्रिटिसिज्म का एक योगदान मीन्स वेपन लेके चलते हैं. तो उसी प्रकार ये भी चल रहा था, जब वो उस प्रकार का सुपरस्टिशन बिलीफ सुपरस्टिशन मिथ को फॉलो कर देते थे, मीन्स रिपेइंग द डेबिट्स फॉलो कर मीन्स अपने आप का एंसेस्टर्स को दे देते थे जो कि फार्मर्स होते थे, वो उससे क्या होता था जनरेशन टू जनरेशन वाइज वो चल रहा था. ठीक है, अपना जो भी रेवेन्यू का जनरेशन होता था उसको क्या कर देते रिपे कर देते एज ए डेबिट टू देयर फोर फादर्स. सो उससे जो कि रॉयल कमीशन है, ठीक है, जो कि रॉयल कमीशन इसमें दिया गया है, द रॉयल कमीशन वॉज राइटली स्टेटेड द इंडियन फार्मर्स इज बॉर्न टू डेबिट लीव्स इन डेबिट एंड डाइज इन डेबिट. ये वेरी वेरी क्रिटिसिज्म का एक नेक्स्ट लेवल माना जाता है, मैं ये मीन्स बोल देता हूँ फ्रैंकली. उसके बाद जाते हैं सोशल रिलीजियस नीड. सो कि सोशल रिलीजियस नीड ये भी एक सुपरस्टिशन बिलीफ है. क्यों बिलीफ है, जो कि जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि या राजा राम मोहन राय है, उसके बाद दयानंद सरस्वती है, वो सारा क्या करते हैं एक फाइट मीन्स सोशल राइट के लिए फाइट कर देते हैं. उसके बाद स्वामी विवेकानंदा है, वो सारा क्या करते थे फाइट करते थे. ठीक है, फाइट किससे करते थे, मेरे से या फिर आपसे, वो रिलीजियन बिलीफ से या फिर सोशल मिथ से फाइट करते थे. क्यों फाइट करते थे, वो एक ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड थे या फिर बिलोंग्स थे. तो फिर ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप बिलोंग करते हो तो फिर आपको सुपरस्टिशन का नेक्स्ट लेवल लेवल 5 या फिर लेवल 1 नहीं, वो लेवल 16 फॉलो कर देते थे. ठीक है, अगर पबजी खेलते हो तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा लेवल उस समय विलेजर्स यूजली प्रीफर करते थे. तो विलेजर्स आर मोस्टली बॉन्ड बाय द सोशल ट्रेडिशन एंड कस्टम्स विच आर कंसिडर टू बी स्कैर्ड एंड हैड टू बी परफॉर्म. सम ऑफ दिस सेरेमनीज आर मैरिजेस, बर्थ, डेथ. ठीक है, बर्थ, डेथ, रिलीजियस ओकेजन एक्सेट्रा. द एक्सपेंडिचर यूजली वेरी हाई
for the performance of these ceremonies. In order to meet these needs, the villagers take a loan as their income, and not sufficient enough, they are unable to prepay the loans. Thus, it remains unpaid and increasing with the passage of time. क्या करते थे? अपना लोन ले देते थे, क्योंकि डिफरेंट ओकेजन्स के लिए, डिफरेंट रिलीजन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए लोन जब लेते थे, उनका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता था. अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया तो फिर पे करना में कुछ तकलीफ़ तो होएगा ना ही. सो उसी प्रकार उसको उनको पे करने में बहुत तकलीफ होता था ड्यूरिंग पासिस ऑफ टाइम. ठीक है, दिस इज हाउ द सोशल एंड रिलीजियस नीड प्लेस ए कॉज इन द इनडेबिटनेस. ओके, देन आफ्टर वी विल गो फॉर लिटिगेशन. लिटिगेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी. सो लेट मी हैव ए क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग अबाउट वॉट लिटिगेशन इज ऑल अबाउट. जनरली द एग्रीकल्चर इन इंडिया आर इन्वॉल्व्ड इन वेरियस काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू लैंड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा विच फोर्स देम टू गो टू आवर कोर्ट लॉ. ऑफन दे व्यू इट इम्पॉर्टेंट टू विन द केस एज इट इज रिलेटेड टू फैमिली प्रेस्टीज एंड ऑनर. ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि लिटिगेशन पॉलिसी, जैसे कि हम जानते हैं द एग्रीकल्चर इन इंडिया इज इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स. अगर एग्रीकल्चर लैंड है, उसका उस लैंड के लिए अगर दो भाई हैं, तो फिर डिफरेंट इट्स कॉमन दैट दे विल डेफिनेटली फॉर फॉर द लैंड बिकॉज दे नीड लैंड टू सस्टेन देयर लिवलीहुड. इन द सिमिलर फैशन दे वॉन्ट्स टू हैव जस्टिस, सो फॉर जस्टिस दे शुड हैव टू प्रिफर कोर्ट्स. ठीक है, उसको उनको मीन्स सहारा किससे लेते थे? कोर्ट से लेते थे. तो फिर उस समय कोर्ट कौन था? ब्रिटिशर्स का कोर्ट था, ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था. तो फिर ब्रिटिशर्स सिंपल वॉट एवर दे नीड प्रॉफिट बिकॉज जो ब्रिटिशर्स होते थे इंडिया में रूल करने के लिए, वो क्या चाहते थे? प्रॉफिट ही चाहते थे ना यार. तो फिर प्रॉफिट किससे आएगा उनको? प्रॉफिट लॉ मेकिंग से आएगा. मीन्स एक योगदान बना देते थे, मीन्स हर एक क्षेत्र से उनका फायदा हो सके. तो फिर लिटिगेशन में वो भी एक मीन्स एक सच एक काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट दे यूजुअली मेक इन लॉ आल्सो. सो दैट्स व्हाट दिस लिटिगेशन पॉलिसी और लिटिगेशन इज ऑल अबाउट, हाउ इट हैड ए इम्पैक्ट इन द डेबिट इन रूरल इनडेबिटनेस. इन ऑर्डर टू मीट दिस नीड द एग्रीकल्चर टेक ए लोन. देखो, इसमें भी लोन का एक वार्ड आ गया ही. सो लिटिगेशन में भी एक लोन का आ गया ताकि उनका फायदा हो सके. ठीक है, तो फिर या उसके बाद बैकवर्ड एंड ऑफ एग्रीकल्चर. बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर इज अनसर्टेन बिजनेस. इट इज वर्चुअली डिपेंड्स ऑन अनरिलायबल रेन्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर. If there is no rain, untimely rains, the entire crops lost and the credit of investment in agriculture goes waste. As a result, the loan taken for the productive purpose also became burden, leading to indebtedness of the farmer. So, फिर means climatic change, backwardness of agriculture का मतलब यही है कि climatic change. जैसे कि क्लाइमेटिक चेंज कैसे इम्पैक्ट करता है रूरल इंडेबिटनेस में. अगर एक क्लाइमेट मीन्स बारिश नहीं हुआ बारिश नहीं हुआ उस लैंड में एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन क्या होगा? क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, क्रॉप डेथ होगा हो जाएगा. तो फिर उससे क्या होगा? रेवेन्यू भी जनरेशन नहीं होगा. उससे क्या होगा? एक फार्मर्स के सर पे एक बर्डन आ जाएगा. तो फिर वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए. अगर बर्डन आ जाएगा क्या होगा? लोन का जो भी लोन लिया गया था उसका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा. तो फिर पे करने में उनको बहुत ही तकलीफ उनको पड़ेगा. किसको पड़ेगा? जो कि बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग, मीन्स क्लाइमेटिक चेंज. जैसे कि क्लाइमेटिक चेंज कैसे रूरल एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट करता है वही इसमें सिग्निफाई दिया है. उसके बाद एक्सेसिव बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड रेंट. एक्सेसिव बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड रेंट्स. सो एक्सेसिव बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड रेंट्स में यही दिया गया कि द लैंड रेवेन्यू वेर इन रिलेवेंट बाय द गवर्नमेंट इन सम स्टेट्स एंड रेंट पेएबल टू द लैंड ओनर्स इन बिकमिंग एक्सेसिव बर्डन फॉर स्मॉल फार्मर्स. ठीक है, लैंड रेवेन्यू जो कि लैंड लॉर्ड्स होते थे उनको क्या करते थे? मीन्स जो भी दे देते थे लोन्स ले देते थे उनका बहुत ही फायदा का मीन्स उनका बहुत ही इंटरेस्ट
विटामिन्स डाल देते थे, उससे बहुत ही तकलीफ महसूस करना पड़ता था फार्मर्स को। उसके बाद डेफिनेटिव मनी लैंडिंग सिस्टम, जो कि हम जानते हैं, मीन्स इट्स जस्ट ए काइंड ऑफ बिजनेस विच इज़ बीन प्लेड विद द फार्मर्स इन द बाय द ब्रिटिशर्स। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल थिंग्स। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।